राजधानी भोपाल के लोकायुक्त ऑफिस में रविवार शाम को लगी आग की गर्मी ने अब सियासत गर्म कर दी है। सियासी गलियारों में ये घटना अब शक की नजरों से देखी जा रही है। लोकायुक्त में लगी आग को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है। लोकायुक्त ऑफिस में आग क्या लगी, चुनावी माहौल के बीच विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का एक नया मुद्दा मिल गया। घटना को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कभी सतपुड़ा भवन में आग लग जाती है तो कभी विंध्याचल में और अब लोकायुक्त में आग लग गई। उमंग सिंघार ने कहा कि उज्जैन सिंहस्थ से जुड़े बहुत से दस्तावेज लोकायुक्त के पास थे। उन्होंने संदेह जताते हुए कहा कि यह कोई साजिश तो नहीं, क्योंकि उज्जैन सिंहस्थ मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिजनों का नाम जांच के घेरे में आ रहा था। अब लोकायुक्त के अधिकारी यह जानकारी दें कि इसमें किसी प्रकार की कोई हानि तो नहीं हुई है। कभी सतपुड़ा में आग लगती है, कभी वल्लभ भवन में आग लगती है और अब कल आग लगी लोकायुक्त कार्यालय में। कई ऐसी फाइलें महत्वपूर्ण हैं जो आम जनता से जुड़ी थी, चाहे पेंशन की फाइलें हो, चाहे स्वच्छ अनुदान की फाइलें हो पूर्व मुख्यमंत्री के समय की, चाहे लोकायुक्त में वो फाइलें थी जो मुख्यमंत्री उनका परिवार जांच के घेरे में आ रहा था, वहां के पदस्थ अधिकारी घेरे में आ रहे थे। तो क्या ये ऐसा तो नहीं कि ये आग के पीछे और कोई कारण है? तो निश्चित तौर से अगर ये सरकार बताए, अगर फाइलें सुरक्षित है सिंहस्थ की तो सरकार बताए कि फाइलें सुरक्षित है, जली नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष में भी खलबली मची हुई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता अजय यादव ने कहा कि कांग्रेस इस बात को मुद्दा बना रही है। लोकायुक्त कार्यालय में लगी आग का स्पष्टीकरण आ चुका है। लोकायुक्त द्वारा एक प्रेस नोट जारी कर बताया गया है कि केवल कचरे में आग लगी है, किसी भी प्रकार के कोई दस्तावेज को क्षति नहीं पहुंची है और आग पर तुरंत ही काबू पा लिया गया था। देखिए, कांग्रेस पार्टी और उनके नेता लगातार एक नकारा विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। जिस तरह से लोकायुक्त कार्यालय में आग लगी और मामले में स्पष्ट तौर पर आ चुका है कि केवल कचरे में अनुपयोगी सामान पर आग लगी थी, किसी भी तरह के कोई दस्तावेज, किसी भी तरह के जांच से संबंधित कोई कागजात इस मामले में ना नष्ट हुए हैं ना किसी तरह से प्रभावित हुए हैं। ऐसे में उमंग सिंघार जैसे नेता द्वारा इस तरह की बात करना एक गैर जिम्मेदारीपूर्ण बर्ताव दिखाता है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।